नमस्कार, पंचायत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण बहादुर सिंह। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे हैं। आखिर लोग तालिबान से इतना क्यों डरे हुए हैं? आखिर क्यों कोई अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहता है? इसके पीछे का कारण है तालिबान का पिछला शासन। साल 1996 में जब तालिबान का शासन था, तब उन्होंने शरीयत के कड़े कानून लागू किए जिसने अफ़गानिस्तान को एक अंधे युग में धकेल दिया। तो कैसी थी तालिबान की पिछली सरकार, देखिए इस वीडियो में। अफगानिस्तान की सत्ता संभालते ही तालिबान ने कड़े शरीयत कानून लागू किए जिसने अफ़गानिस्तान को अंधे युग में धकेल दिया। शरीयत कानून के मुताबिक अफ़गान पुरुषों को दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनना जरूरी था। अफ़गानिस्तान में TV, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों को स्कूल जाने पर मनाही थी। महिलाओं को नौकरी करने, तेज आवाज पर बात करने और बिना रिश्तेदार के घर से निकलने की मनाही थी। इसके अलावा पुरुष डॉक्टर से चेकअप कराने पर और महिलाओं को डॉक्टर और नर्स बनने पर पाबंदी थी। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाती थी, जिसमें कोड़े मारने से लेकर सीधे गोली चला देने तक की सजा थी। उदाहरण के लिए, गर्ल्स स्कूल चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती थी। प्रेमी के साथ भागने पर भीड़ महिलाओं को पत्थर से मारती थी। इसके अलावा चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते थे। समलैंगिक संबंध बनाने वालों को गोली मार दी जाती थी और शादी के पहले रिलेशन पर कड़ी सजा थी। तालिबान के इन कानूनों से महिलाओं की जिंदगी नरक हो चुकी थी। इसका UNO ने भी विरोध किया, लेकिन तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ा। अफ़गानिस्तान में दोबारा कब्जे के बाद तालिबान ने महिलाओं को अपनी सरकार में शामिल होने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो शरीयत के अनुसार महिलाओं को अधिकार देंगे। लेकिन जिस प्रकार से दुकानों के बाहर लगी महिलाओं की तस्वीरें मिटाना शुरू हुई, महिलाओं को बुर्का पहनने के आदेश दे दिए गए हैं, उससे अफ़गानिस्तान में एक बार फिर अंधे युग की वापसी होती दिखाई दे रही है। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जानकारी शेयर करें। नमस्कार।